हाय डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत स्पेशल खुशखबरी जो कि आपके लिए सीबीएसई खुद लेकर आया है। तो सीबीएसई बोर्ड ने अपना सिलेबस काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर उन्होंने रिवाइज करिकुलम ऑफ द एकेडमिक ईयर 2020 एंड 2021 के लिए सिलेबस डाल दिया है। गाइज, आपका सिलेबस काफ़ी कम कर दिया गया है। हम देखते हैं रिवाइज सेकेंडरी सर्कुलर जो आपको दिया हुआ है, इसको हम ओपन करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिवाइज लैंग्वेज, मेन सब्जेक्ट, एकेडमिक ग्रुप्स, सब कुछ, डिलीटेड पोर्शन इवन आपको दिख सकता है यहाँ पर। मैं आपको ओपन करके बताती हूँ सबसे पहले कि आपका जो इसमें डिलीट कौन कौन से टॉपिक्स हुए हैं। गाइस, जैसे ही इसको मैं ओपन करती हूँ, इस तरीके से कुछ मोनोफेस आ रहा है। आप देख सकते हैं इसमें सभी सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे से साइंस सब्जेक्ट ओपन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ओपन हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ से इसको और भी डिटेल में देख सकते हैं। गाइस, ये देखिए, आप यहाँ देखेंगे ये डिलीटेड पोर्शन है, ये क्लास 9th का है। मैं आपको आगे जाके क्लास 10th का बताती हूँ डायरेक्ट, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। गाइस, ये देखिए, क्लास 10th का ये डिलीटेड पोर्शंस डले हुए हैं। केमिकल सब्सटेंस यानी आप केमिस्ट्री वाले पार्ट में देखेंगे, आपका फर्स्ट सेकेंड चैप्टर एज इट इज़ है, और फिफ्थ चैप्टर आपके थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में से बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस, कोरोजन और उसके प्रिवेंशन वाले टॉपिक हटा दिया गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि सबसे ज़्यादा टफ पोर्शन माना जाता है, ये ऑलमोस्ट चैप्टर, गाइस ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, सबसे बड़ा पोर्शन आपका जो है ये केमिस्ट्री का टफेस्ट पोर्शन हटा दिया गया है। सीबीएसई ने इस बार आपको रिलैक्स कर दिया है। गाइस, देखिए, बायोलॉजी की बात करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे टॉपिक्स जो हैं आपके कम कर दिए गए हैं। हेरिडिटी में से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशंस वगैरह ये सब हटा दिया गया है। इसमें सिर्फ अब आपको मेंडल्स थ्योरी और उनके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ना होंगे। यदि मैं बात करती हूँ नेचुरल फिनोमिना की, जो फिजिक्स का पोर्शन आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, आप देख सकते हैं इसमें फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स, इलेक्शन करेक्शन, एप्लीकेशन, स्फेरिकल मिरर, ये सारे टॉपिक्स गाइस आपके हटा दिए गए हैं। ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। इफेक्ट्स ऑफ करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट टॉपिक आप देख सकते हैं, एसी डीसी एडवांटेजेस, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एक्सेट्रा। यही आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला पोर्शन था, सोर्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, गाइस ये सारे ही टॉपिक सीबीएसई ने आप क्लास 10th वालों के लिए हटा दिए हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप देख सकते हैं, नीचे कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में दिया है। मेन आपको आपका सिलेबस देखना था, ये काफ़ी हद तक आपका कम कर दिया गया है। आई होप कि अब आप लोग जो है इस पैंडेमिक सिचुएशन में और अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, क्योंकि आपको सिलेबस काफ़ी कम कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। गाइस, मैं इस लिंक की इस वेबसाइट की लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप चाहें तो अपने अदर सब्जेक्ट्स भी वहां पर देख सकते हैं। गाइस, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। थैंक यू।